देश के मशहूर बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी की लाइफस्टाइल काफ़ी सुर्खियों भरी रहती है। क्या ये खाते हैं, क्या पहनते हैं, इनका घर में लाइफस्टाइल कैसा रहता है, इस पर लोगों की निगाहें कड़ी रहती हैं। हालांकि मुकेश अंबानी को लेकर हर रोज कोई ना कोई खबर वायरल होती रहती है, लेकिन इसी बीच खबर आई है कि मुकेश अंबानी जल्द ही भारत को छोड़ने वाले हैं और इस बात का दावा बॉलीवुड के जाने माने क्रिटिक्स केआरके ने किया है। अब कमाल राशिद खान यानी केआरके अपने बयानों के चलते काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। एक तरफ जहां फिल्मों को वो रिव्यू देते हैं तो वहीं दूसरी ओर कई बार वो कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां आ जाती हैं। और ठीक इसी बीच अब उन्होंने मुकेश अंबानी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। केआरके ने मुकेश अंबानी के लंदन वाले घर को लेकर एक तंज कसा है। इसको लेकर केआरके ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, पहले मुकेश भाई अंबानी ने ब्रिटेन में महल खरीदा और अब वहां भारी निवेश कर रहे हैं। रिलायंस एक कंपनी को खरीदने के लिए 9 बिलियन डॉलर की बोली लगाता है जो यूके में लगभग करीब 2200 दवा की दुकान चलाती है। मुकेश एक बिजनेसमैन है और वो अच्छी तरह जानते हैं कि भारत उन्हें जल्दी छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कभी भी ढह सकती है। हालांकि ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब केआरके ने मुकेश अंबानी पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी और कई सारे ट्वीट्स मुकेश अंबानी के खिलाफ कर चुके हैं। अब केआरके बार बार मुकेश अंबानी को निशाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड के कई सारे सितारों के साथ उठना बैठना मुकेश अंबानी का काफ़ी ज़्यादा रहता है। इतने नहीं, केआरके ने कई बार उन पर बॉलीवुड को लेकर तंज भी कसा। एक बार केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मुकेश अंबानी जल्द ही पूरे बॉलीवुड के मालिक हो जाएंगे। अब केआरके ने मुकेश अंबानी को लेकर जो खुलासा किया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि मुकेश अंबानी जल्द ही भारत को छोड़कर यूके में शिफ्ट होने वाले हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था कभी भी ढह सकती है, इस पर लोगों के जमकर कमेंट्स भी आ रहे हैं और केआरके को लोग खूब भद्दी भद्दी गालियां भी दे रहे हैं। कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है इसलिए तुम एक अच्छे बिजनेसमैन को टारगेट कर रहे हो, तो वहीं दूसरी ओर कई सारे यूजर्स जमकर केआरके को ट्रोल भी कर रहे हैं। अब आने वाले समय में इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन केआरके अपने दिए गए बयानों के चलते काफी ज्यादा सुर्खियों में छाते हैं। आज से कुछ महीने पहले बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ हुई थी, तो इस फिल्म को लेकर केआरके ने कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया के माध्यम से अपलोड किए, जिस वीडियो में उन्होंने अंतिम द फाइनल ट्रुथ की काफी आलोचनाएं की थी, जिन आलोचनाओं के बाद भाईजान सलमान खान की तरफ से एक्शन भी उठाया गया था और इस एक्शन के बाद केआरके का जीना हराम हो गया था। हालांकि केआरके ने माफी नहीं मांगी और वो अपने बात पर अड़े रहे। केआरके बार बार अंतिम द फाइनल ट्रुथ के खराब खराब रिव्यू दे रहे थे जिसका असर भी उनकी फिल्म पर पड़ा। ये फिल्म कुछ खास कमाल बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई, लेकिन केआरके बार बार इस फिल्म के खिलाफ खराब रिव्यू दे रहे थे। सलमान खान की इस फिल्म को लेकर कहना था कि सलमान खान दादू की उम्र में अपनी पोती जैसी अभिनेत्री के साथ रोमांस कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ऐसे ही कुछ उन्होंने तंज सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ को लेकर कहा था, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ गया था।